हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़ मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास सेवन का साइंस का लेसन नंबर फिफ्टीन लाइट उसका हम ये पॉइंट करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज इससे पहले हमने तीन वीडियोस लाइट चैप्टर के ऊपर निकाली थी जिसमें एक में था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ और सेकंड में था लाइट के बारे में ही कुछ और डिटेल्स में और एक थर्ड वीडियो में हमने बताया था स्पैरिकल मिरर्स के बारे में एंड द दिस वन इज बेसिकली ऑन द बेस्ड ऑन द लेंसेज तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वट आर वॉट इज लेंस अगर हम कहीं लेंस किया है तो हम लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि लेंस एक पीस ऑफ ग्लास है अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व्ड साइड्स फॉर कंसंट्रेटिंग और डिस्पर्सिंग लाइट रेज इज़ कॉल्ड अ लेंस एक बार और रिपीट करती हूँ मैं अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व्ड साइड्स फॉर कंसनट्रेटिंग और डिस्पर्जिंग लाइट रेज इज कॉल्ड लेंस ओके okay, तो इस इसमें दिया है कि हमने जो है मैग्नीफाइंग ग्लास देखे हैं जिसमें कोई चीज़ बड़ी करके हम देख सकते हैं तो हमने वो देखा है जो हम अपनी क्लास में बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच या अर्थ वॉर्म उनके पार्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं ठीक है तो इसमें क्या दिया है लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स जो चश्मा हम पहनते हैं जो नज़र का चश्मा होता है धूप वाला नहीं जो नज़र वाला होता है जिससे हमें साफ दिखाई देने लगता है वो उसमें भी हमारे लेंसेज़ यूज़ में आते हैं इसके अलावा टेलीस्कोप में यूज़ में आता है माइक्रोस्कोप में आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस लेंस के होते हैं ठीक है अब इसमें गेट सम लेंसेज टच एंड फील है आपको करना क्या है कुछ लेंसेज इकट्ठे करने हैं जैसे अपने घर में जो भी लोग चश्मा यूज़ करते हैं आई साइड वाला उनको बोल उनके चश्मे ले करके आप हल्के से उनको टच करके देखें उनकी शेप को आप फील करें कि वो कहाँ से मोटे पतले या कैसे हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता लगेगा बाकी है दोज लेंसेज फील थिक्कर इन द मिडल देन एट द एजेस। जो बीच में से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं आर कॉन्वैक्स लेंसेज ओके एंड दो अब ये देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला है इधर दिस वन इज कॉन्वैक्स ये बीच में से मोटा है और यहाँ से पतला है इसके अगेंस्ट ये वाला यहाँ से मोटा है और यहाँ बीच में से पतला है दीज आर कॉन्केव लेंस ठीक है नेक्स्ट है विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉन्केव मिरर्स ठीक है और हमें क्या देखना है लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम मिरर में और लेंस में ये डिफरेंस होता है कि मिरर जो है वो उसमें एक साइड शाइनी शाइनी सरफेस होती है जो रिफ्लेक्ट होती है उसके अदर साइड वाले पोर्शन में हमारे वर्क करता है वो एज अ कॉन्केव और कॉन्वैक्स मिरर ठीक है लेकिन इनमें क्या होता है कि दीज आर ट्रांसपेरेंट ग्लास ठीक है जिनके आर पार लाइट पास थ्रू होती है ठीक है अच्छा अब है इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और अ ब्राइट लाइट हमें लेंस के थ्रू किसी सन या ब्राइट लाइट में नहीं देखना है दैट कैन बी डेंजरस टू अवर आइज ओके नेक्स्ट है टेक अ ये एक्टिविटी दी है टेक अ कॉन्वैक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा यूज़ में आता है कॉन्वैक्स लेंस हमें इसको सन रेज के रास्ते में रखना है सन के नीचे हम इसको ऐसे रखेंगे उसके नीचे हम एक पेपर एक यहाँ पे दिया है एक्टिविटी देखो यहाँ पे इस तरीके से हम सन की रोशनी में जब इसको यहाँ पे रखेंगे लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास को तो क्या होगा कि यहाँ से सन की जो एक पॉइंटेड सा जब तक इमेज नहीं बन जाती हम उसे फोकस करके रखेंगे तो हम सूखी पत्तियों पे या कागज पे हम अगर उसको फोकस करेंगे तो कुछ देर में वो आग पकड़ लेता है और वो बर्न होने लगता है ठीक है अब इस तरीके से ये दिया है होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स एंड डज द पेपर बिगिन टू बर्न यस एंड नाउ रिप्लेस द कॉन्वैक्स लेंस विद द कॉन्केव लेंस डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट क्या कॉन्केव अगर बदल देंग, बदल देंगे तो क्या हम ब्राइट uh, स्पॉट पा पाएंगे इसमें भी तो उसमें हम ये देखते हैं कॉन्केव में uh, वो ब्राइट uh, स्पॉट एक नहीं डेवलप हो पाता हम चाहे कितना भी उसको फोकस कर लें ठीक है वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिररर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर इंड साइज ऑफ इमेज चेंज मतलब अगर हम मिरर के उसमें हमने पढ़ा था कि अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की पास या दूर कर देते हैं मिरर से तो उनकी शेप में चेंज आ जाता है उनकी नेचर चेंज हो जाती है तो क्या ऐसा लेंस में भी होता है सो so येस yes, उसमें भी ऐसा ही होता है अब इसमें ये देखो ये एक्टिविटी इन्होंने करके दिखाई है हम इससे देख के समझेंगे ये एक्टिविटी में क्या दिया हमने यहाँ पे एक कॉन्वैक्स और यहाँ पे कॉन्केव मिरर लिया है तो इसमें क्या बताया है? कि अगर यहाँ से लाइट फॉल हो रही है इधर से तो उसके बाद ये क्या करेगी तो ये अगर हम कॉन्वैक्स लेंस के अंदर से इसको करते हैं तो ये कंसनट्रेट हो जाती है लाइट इस तरीके से और कंसेंट्रेट होकर पीछे उसके एक पॉइंटेड सा इमेज बनाती है जबकि यहाँ पे क्या होगा अगर ये लाइट फॉल हो रही है तो ये और भी ज़्यादा फैल जाती है ज़्यादा एरिया में तो हम इसको कैसे समझेंगे ये देखिए यहाँ पर अ कॉन्वैक्स लेंस कन्वर्जिज यानी कि बैंड इनवर्ड्स द लाइट अंदर की तरफ लाइट को बैंड कर देता है कौन कॉन्वैक्स लेंस ये पहले वाले डायग्राम में आप देखो यहाँ पे तो फॉलिंग ऑन इट देअर फोर इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है कि कॉन्वैक्स लेंस को हम किस और नाम से भी जानते हैं तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग क्यों क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे लाइट को कैसे कन्वर्ज कर रहा है ये ऐसे ठीक है और कॉन्केव को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि वो लाइट को और स्प्रेड कर देता है ऐसे स्प्रेड कर देते दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ओके ये एक एक्टिविटी थी जो हमने पहले मिरर्स के फॉर्म में भी देखी थी उसमें ये बताया था कि अगर हम एक कैंडल लगाते हैं और उसके सामने ये कैंडल है और उसके सामने यहाँ पे अगर हम ग्लास जो मिरर हमने लगाया था अब की बार उसकी जगह अगर हम लेंस यूज़ करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट तो हम उसमें देखते हैं कि उसकी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो ये एक्टिविटी का डायग्राम अब आप इस में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे दिया है तो यहाँ पे क्या दिया है एन इमेज बाय कॉन्वैक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे देखो ये यह यहाँ पे इधर ये रखा है इन्होंने लेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कि कैंडल है और ये पीछे एक फ्रेम वो लगाया है स्क्रीन uh, लगाई है यानी कि एक बोर्ड लगाया है विध वाइट पेपर ऑन इट तो हम इसमें देखते हैं इमेज कैसी बनती है इसके बाद हमने ये जो लेंस था इसको और पास कर दिया कैंडल के इधर अब हम देखेंगे क्या क्या उसकी पोजीशन होती है ठीक है इसी जगह हमने ये वाला किया इस अब की बार हमने ये कॉन्केव लेंस में किया कॉन्केव लेंस में किया तो हमने क्या देखा कि अब की बार इमेज और टाइप से बनती है तो इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्या होता है इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड कुड दिस इमेज पे ऑप्टेंड ऑन अ स्क्रीन क्या स्क्रीन पे आ पाया है इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल दिस इज़ हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज मैग्नीफाइंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा कि एक मैग्नीफाइंग इमेज बहुत बड़ी इमेज बन गई थी कहाँ पे यहाँ पे देखिए ये वाले में इसमें कैंडल की इमेज बहुत बड़ी बनी थी तो हम इसे एज अ मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं लेकिन कब जब हम उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास लेके आते हैं तो डिस्टेंस ऑल्सो मैटर्स ठीक है अब इसमें और भी दिया है इन अ सिमिलर फैशन Uh, study the images formed by a concave lens. You will find that the image formed by concave lens is always virtual, erect, and smaller in size than the object. अब क्या मैं देख कॉन्केव में स्मॉलर बनता है कैसे जब हमने uh, ये, ये देखा ये देखो इस फिगर में हम देखेंगे ये कैंडल है नीचे और इसकी इमेज कैसी बन रही है बहुत पतली और छोटी बन रही है तो इमेज इसमें कैसी हो जाती है कॉन्केव में वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट तो एक बार और मैं बताती हूँ अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड दैट्स वाई इट इज़ यूज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास यर एज इन कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज आई होप अब आपको याद रहेगा ये तो अगर आपने और भी मेरे वीडियोस देखे हैं तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अगर कर लेंगे तो आपको भी आने वाली वीडियोस से हेल्प मिल सकती है एक मेरी साइंस फैक्ट की सीरीज़ है जिसमें मैंने कुछ वीडियोज़ डाली है तो हो सकता है वो आपके काम आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स एंड नेक्स्ट इसमें ये पार्ट आता है सन वाइट और कलर्ड मतलब जो सनलाइट है वो वाइट है या कलर्ड है तो हम इसको कैसे देखेंगे हमने रेनबो देखा है कितना सुंदर लगता है रेनबो ऐसे करके कलर्स स्प्रेड होते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल और माउंटेन एरियाज़ में जब हम कभी जाते हैं बारिश आए तो इतना सुंदर बनता है कि आई रियली वेरी एप्रिशिएट दैट कि नेचर का कितना सुंदर वो फॉर्म है है ना लेकिन हमने उसमें देखा अलग अलग कलर्स होते हैं तो आप में से किसी को पता है विप और के आ, वो सॉरी 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 मैंने तो आंसर ही बता दिया कि रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं तो बेसिकली उसमें सेवन कलर्स होते हैं जिसका एक फार्मूला भी होता है जो मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले लेकिन अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ उसका जो एक शॉर्ट्स सा फॉर्मूला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि कौन से हैं वो ठीक है अच्छा इसमें दिया है स्काई में हमने देखा है रेनबो होता है इसी तरीके से हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो तो वी बेटर नो दैट दीज आर द सेवन कलर्स ठीक है कौन कौन से रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वॉयलेट अब इनको भी हमें एक फॉर्मूले में लर्न कर लेते हैं जिससे कि हमें याद रखना ईजी हो जाता है अच्छा यहाँ पर देखो एक प्रिज्म लिया है प्रिज्म ये ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है जिसमें से अगर हम लाइट थ्रो करते हैं किसी अंधेरे कमरे में तो हम देखते हैं कि कोई पेपर शीट अगर बिछाते हैं तो उस पर हम ऐसे कलर्स स्प्रेड होते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा अगर हमारा जो है कभी पानी के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप वगैरह गिर जाती है तो उसमें भी हमें बहुत सारे कलर्स स्प्रेड होते दिखते हैं इसके अलावा जब हम वो खेलते हैं ना वो बबल्स बना के आ, साबुन का सा जो सोपी वाटर होता है उससे जो हम बबल्स बनाते हैं उससे भी उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलर्स दिखाई देने लगते हैं बबल्स के ऊपर तो आप वो एक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं घर में और उनको सबको देख सकते हैं यहाँ पे देखो एक सीडी है इस सीडी को अगर हम धूप में रखते हैं सन में रखते हैं तो उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलर्स स्प्रेड होते दिखते हैं तो ये सब किस वजह से होता है कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड इन इट्स ओन सेवन कलर्स लाइट जो है वो अपने कलर्स में स्प्रेड हो जाती है लेकिन देखने से लाइट हमें कैसी फील होती है वाइट जैसी लगती है कि कुछ भी नहीं है इसमें वाइट है ये है ना तो ये सब क्यों होता है ग्लास प्रिज्म और ये सीडी ये सब में क्या हुआ कि वाइट जो कलर्स हैं जो लाइट के अंदर जो कलर्स हैं वो स्प्रेड होगा इससे हमें क्या पता लगता है कि लाइट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है या वाइट नहीं है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स ठीक है वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स ओके अच्छा अब इसमें दिया है इसको हम एक गेम के तरीके से कर सकते हैं कि हम एक इसमें वो बना सकते हैं जो घूमता है ना जिसको बोलते हैं जो बच्चे ऐसे घुमाते हैं नीचे रोटेट करने के लिए ये ऐसे डंडी के ऊपर बना करके हम एक शीट के गोल शीट काट के उसमें ये वाले कलर्स लगा के उसको एक स्टिक पे लगा के गोल गोल घुमा सकते हैं ठीक है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि वो कलर्स जिसे हो जाते हैं और वो वाइट हो जाता है देखने से ठीक है ये भी एक एक्टिविटी है जैसे कि ये इन्होंने बताया यहाँ पे कि टॉप बना दिया पहेली ने और एक ऐसे जब उसको घुमाया पेंसिल के अंदर लगा के जब उसको घुमाया तो वो एक वाइट कलर की तरीके से दिखाई देने लगा ठीक है तो आप मुझे लाइट की जो सेवन कलर्स हैं उनका जो फॉर्मूला है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और इसमें अच्छा एक दिया है कि सच अ डिस्क इज़ कॉल्ड न्यूटन्स डिस्क इस ऐसी जो अगर हम कलरफुल डिस्क बना के उसको अगर हम रोटेट करते हैं किसी पॉइंटेड चीज़ पर तो उसको क्या बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क ओके अच्छा अब ये चैप्टर तो देखो यहीं तक था अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं तो आई वॉन्ट टू डिस्कस दीज पॉइंट्स विद यू आप साथ साथ याद करते चलें कि लाइट ट्रैवल्स एलोंग स्ट्रेट लाइन्स ठीक है एनी पॉलिश और शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर एन इमेज विच कैन बी ऑबटेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज जिसको स्क्रीन पर लिया जा सके दैट इज रियल इमेज एंड इमेज विच कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन अ स्क्रीन इज अ वर्चुअल इमेज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट इट इज वर्चुअल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट

When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect, and magnified. Okay, and uh, next is image formed by convex mirror is erect, virtual, and smaller in size than the object. Okay. और ये अभी हमने करा था कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू द लेंस द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड ओके एंड कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज एंड व्हाइट लाइट कंपोज ऑफ सेवन कलर्स सो द चैप्टर कंप्लीट्स हियर एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स हैप्पी लर्निंग बाय बाय